शिमला जिला के ठियोग क्षेत्र के क्याटू गांव में आयोजित किसान पखवाड़े के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कृषि वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बागवानी विकास अधिकारी देवराज कायथ ने बताया कि किसानों को एंटी हेलनेट पॉलीहाउस और ऋण जैसी योजनाओं के बारे जानकारी दी गई ताकि किसान इनका फायदा उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें जो जिस तरह चल रही है, हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चार स्कीमें हॉर्टिकल्चर के तहत चल रही है, जिसका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत ही हमारा ये हुआ टाई अप हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा जो उनको देखते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी 8-10 स्कीमें जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की चल रही है, जिसके बारे में जो हम जो लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कि सीधा डिपार्टमेंट बैंक और फार्मर के साथ जुड़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला रहा है। इससे जो लोगों का फायदा भी होगा, साथ में जो आमदनी जो फार्मर की 2022 तक डबल हो जाएगी। क्याटू पंचायत और आसपास के किसानों ने इस आयोजन के लिए विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा का आभार जताया। इन किसानों का ये भी कहना था कि इस क्षेत्र में बैंक की कोई शाखा नहीं है, इसलिए यहाँ बैंक शाखा खोलना जरूरी है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक किसान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, और इससे पहले यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे आयोजन होते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आयोजन यहाँ पर किया। और हमारी मुख्यतः ये मांग है कि यहाँ पर एक कोई बैंक की शाखा, सरकार से ऐसी मांग है कि बैंक की कोई शाखा यहाँ पर खुले। आज तक यहाँ पर कोई भी शाखा खोल नहीं पाई है, और इससे किसानों को और बागवानों को बड़ा भारी लाभ होगा। हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसान पखवाड़ा दिवस जो मनाए जा रहे हैं उसकी हम बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ किसानों को और बागवानों को जो जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो एक सराहनीय कदम है। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ठियो के क्याटू गांव से DD News के लिए योगराज शर्मा की रिपोर्ट।